मथुरा के जिला प्रशासन ने जिले के साहूकारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी साहूकारी साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत करें और नियमों का पालन करें। जिला प्रशासन द्वारा जिले के साहूकारों को ये निर्देश उनकी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित एक बैठक में दिए गए। ये बैठक एडीएम फाइनेंस रविन्द्र कुमार द्वारा ली गई। आज जो जनपद मथुरा में कुल 74 लाइसेंसधारी हैं साहूकार के, उनकी सबकी एक बैठक बुलाई गई थी। उनसे जो उनके मूल प्रपत्र हैं, जिनमें मूल लाइसेंस और प्रपत्र 8, 9, 10 और बही खाता, ये सब सारे रिकॉर्ड के साथ उनको बुलाया गया था। परंतु स्थिति यह रही, आज जो भी लाइसेंसधारी उपस्थित हुए, टोटल 48 लाइसेंसधारी उपस्थित हुए 74 में, उनमें से अधिकांश लोगों पास केवल लाइसेंस लेके आए थे और कोई रिकॉर्ड नहीं लेके आए थे। आज उनको अंतिम बार ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले महीने में 20 तारीख के आसपास बैठक रखी जाएगी और उस बैठक में जो भी लाइसेंसधारी आएगा वो सारे रिकॉर्ड के साथ आएगा, सारी जानकारी अपडेट करके आएगा। अन्यथा ये मानते हुए कि आप लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और ये मानते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। जो लाइसेंसधारी आज उपस्थित नहीं हुए हैं उनके भी आज हम अभी नोटिस जारी कर देंगे, क्योंकि एक सूचना के बावजूद मीटिंग में ना आना अपने आप में अधिनियम का उल्लंघन है। तो उन सभी लाइसेंसधारियों को जो आज अनुपस्थित रहे हैं सूचना के बावजूद, उनको एक नोटिस जारी होगी कि उन्हें आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। मंशा क्या है शासन प्रशासन की? मंशा सिर्फ यह है कि जो साहूकारी अधिनियम है उसके अनुसार रिकॉर्ड अपडेट रहें, अद्यतन रहें, किसी व्यक्ति के साथ कोई चीटिंग ना होने पाए, ये उद्देश्य है। और ये इस वक्त दीपावली से कुछ दिन पूर्व बैठक बुलाए जाने का उद्देश्य? देखिए, ये उद्देश्य दीपावली के पूर्व का नहीं है, उद्देश्य ये था कि अभी पहली बार एक बार बैठक करके और सबको निर्देश दे दिए जाएं और उसके बाद नेक्स्ट बैठक से हम इनके रिकॉर्ड पूरी तरह चेक करेंगे कि ये जो भी कार्य करें वो नियमानुसार करें, अपनी साहूकारी करें और साहूकारी के तहत वे क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं, ये भी बताया गया। ये सारी चीज़ें बताई गई साहूकारी अधिनियम के बारे में बताया गया। और बस मुख्य उद्देश्य है कि जो व्यक्ति लाइसेंसधारी हैं वो लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सही कार्य करें, किसी के साथ कोई अन्याय न होने पाए। साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के अगर कहीं इस तरह का कार्य कर रहा हो तो उसके बारे में मुझे मौखिक रूप सूचना दे दें, ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सम्मिलित हुए सर्राफा कमेटी के सचिव योगेश जौली ने प्रशासनिक कार्य की सराहना की और प्रशासनिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात कही। नहीं, ये बहुत अच्छी प्रशासन की पहल है जो कि आज बैठक मैं समझता हूँ पहली बार निकाली है, जिसमें कि साहूकार और प्रशासन एक टेबल पर बैठ के बात की, उसमें जो भी नियम कायदे कानून है कहाँ उनमें क्या बदलाव है इस पर बहुत चर्चा हुई है। और उससे बैठक से ये होगा कि लिखा पढ़ी जो हम लोग करते हैं जो उसमें जो त्रुटियां जो रह जाती हैं वो त्रुटियां भी दूर होंगी और गवर्नमेंट के हिसाब से काम भी होगा नियम अनुसार जो भी है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट कुछ नहीं चाहती है, गवर्नमेंट तो ये है कि काम फेयर रहना चाहिए, वो लोग हम लोग करते हैं और उसी प्रकार से आगे जैसे निर्देश करेंगे वैसा करेंगे।